उत्तर प्रदेश में जगहों के नाम बदलने का सिलसिला भी थमा ही नहीं है कि अब दिल्ली इस राह पर चल पड़ी है। दरअसल मामला ये है कि दिल्ली में 40 गांवों के नाम बदलने की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के 40 गांवों के नाम अब बदले जाने हैं और इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता मोहम्मदपुर गांव का दौरा करने पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली के 40 गांव के लोगों ने उन्हें नाम बदलने के लिए प्रस्ताव दिया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर की जगह नाम माधोपुरम हो गया है। आपको बता दें कि इन गांवों के नाम को बदलने के लिए नगर निगम ने दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं आदेश गुप्ता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि माधोपुरम गांव के नामकरण का प्रस्ताव निगम में पास होने के बाद गुरुवार को गांव के नामकरण की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। अब ये गांव मोहम्मदपुर की जगह माधोपुरम नाम से जाना जाएगा। आजादी के 75 साल के बाद भी गुलामी का कोई प्रतीक चिन्ह हमारा हिस्सा हो, ये कोई भी दिल्लीवासी नहीं चाहता। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पार्षद भगत सिंह का कहना है कि नामों से देश की गुलामी की बू आती है, इसलिए अब इन गांवों के नाम पुराने नाम पर ही रखे जाएंगे जो गुलामी से पहले थे। वहीं भाजपा का कहना है कि दिल्ली के करीब 40 गांवों की पंचायतों ने उनसे मांग की है कि उनके गांव के नाम बदले जाएं। बीजेपी का दावा है कि गांव वालों की मांग है कि उनके गांवों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों के नाम पर रखे जाएं, और इसकी मांग के आधार पर उनके गांवों के नाम बदले जा रहे हैं। बता दें कि स्थानीय बीजेपी पार्षद भगत सिंह टोकस ने मोहम्मदपुर गांव के नाम बदलने के लिए प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में भगत सिंह टोकस ने कहा था कि गांव में हिंदुओं की आबादी अधिक है, इसलिए गांव का माधवपुरम नाम होना चाहिए। भगत सिंह टोकस ने इस प्रस्ताव को नगर निगम में मंजूरी दे दी है, हालांकि अभी इसे दिल्ली सरकार की तरफ से अप्रूवल मिलना बाकी है। हालांकि अभी तक नाम बदलने का प्रक्रिया मात्र उत्तर प्रदेश में था। जब से सीएम योगी सत्ता में आए, तब से खुद मुख्यमंत्री भी यूपी के शहरों और कस्बों के नामों को मुस्लिम शासकों आक्रांताओं के नाम से हटाकर हिंदू व्यक्तित्व के नामों पर रखने की बात कई बार कर चुके हैं और इस पर अमल भी होता है। अभी हाल ही में फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलते हुए अयोध्या कैंट किया गया। इससे पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, फैजाबाद जिले का अयोध्या और मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया। हालांकि अब आगरा को अग्रवन, आजमगढ़ को आर्यमगढ़, गाजीपुर को गांधीपुरी, सुल्तानपुर को कुशभवनपुर करने को लेकर मांग की जा रही है। गाजियाबाद का भी नाम बदलने को लेकर के मांग की जा रही है। वहीं वर्तमान में मुजफ्फरनगर और आगरा नाम बदलने की मांग औपचारिक रूप से सामने भी आ चुकी है, और भाजपा के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने भी सीएम से चिट्ठी लिखे अपने जिले बांदा का नाम महर्षि वामदेव के नाम पर रखने की मांग की है। वहीं सीएम योगी से पहले की सरकारों ने भी नामों को बदलने की इस राजनीति को खूब भुनाया था। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।